बलात्कार तो लैके कतलों तक के इल्जाम ने, है ना, एक व्यक्ति जिसने धार्मिक भावनावां का हनन किया आ उसनू पंजवीं फेल मिल रही है। भी एक बलात्कारी तो सज़ा हो गई, जदों जी करता एप्लीकेशन हजे मगरों लाता पहला उन्होंने कह देंगे भी चल बाहर। 30-30 साल हो गए अंदर बैठा, उन्होंने कदे घंटे की भी जे किसी का माँ मर गई किसी का प्यो मर गया बेचारे का उन्होंने भी नहीं किसी बाहर आके उन्होंने उस थान पर पहुँचन दिता। गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबियां हुई पुलिस की चार्जशीट के गल दर्ज आ कि यह बेअदबी की साजिश है जी डेरे सिरसे के घड़ी गई है। तो पुलिस ने जो ये गल मन ली है तो उस तो बाद भी उस व्यक्ति बार बार जी पैरोल है वो दिती जा रही है। तो जो ये घटना वापरदिया ने पैरोल मिलदिया ने तो सिख जथेबंदियां जिमें जरा बहबल कला मोर्चा लग्या हुआ उस मोर्चे का कहना कि सानू गुलामी का एहसास कराया जा रहा, तुसीं सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। उन्हां बंदे नूं हजे तक अज तक वो तो उड़ारा भी नहीं पूछा गया भी तू कौन है कौन नहीं। फिर उस बंदे नूं नाम भी बिच जुड़ रहा है, उस बंदे नूं जदों मर्जी है अपने छुट्टी दे दित्ती जांदी है भेज दित्ता जांदा है। दो तीन चार दिन बाद अंदरों बाहर बाहरों अंदर किया जा रहा है, यह सारिया साढ़े सामने झुक जानियां ये चीज़ा आ जानियां, पर साडा एक होना चाहिए। एक ना हो फिर जिवें मर्जी है सरकारां चलाउणियां फिर साढ़े पल्ले कुछ नहीं। एक पासे तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई पक्का मोर्चा लग्या होया है, 25-25-30-30 सालों तो जिहड़े जेलां दे विच बंद ने बंदी सिंघ उहनां नूं रिहा करवाउण दे लई चंडीगढ़ दीआं ब्रूहां दे उत्ते आ के जिहड़े किसान भी डटे हुए ने सिख भी डटे हुए ने तमाम इंसानियत पसंद लोग इत्थे आ के डटे हुए ने। ते दूसरे पासे सरसे वाला साध जिसनूं के सजावां भी हो चुकियां ने पर पंजवीं वार बाहर आ रिहा पैरोल दे उत्ते, तां साडे नाल सरदार खट्टा सिंह जी मौजूद ने जो कि नाम किसी रस्मी जान पहचान का मुहताज नहीं है। वो इस मोर्चे के पहुँचे ने बंदी सिंघां की रिहाई दे लई जो पक्का मोर्चा लग्या होया उस दे विच पहुँचे ने, उन्हां तो जानते हैं कि आखिर दोहरियां नीतियां देश दे विच क्यों चल रही ने। सिंह साहब स्वागत करते हैं जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। हाँ जी, पासे तो बंदी सिंघां की जिहड़ी सजावां पूरियां हो गई फिर भी दुगणियां दुगणियां उम्र जेलां च भुगत लिया, पर दूसरे पासे एक व्यक्ति के उत्ते बलात्कार तो लैके कतलों तक के इल्जाम ने, है ना, एक व्यक्ति जिसने धार्मिक भावनावां का हनन किया आ उसनूं पंजवीं बेल मिल रही है, किवें देखदे हो? ये इंसानियत तौर पर तो बहुत माड़ी गल है। सरकारां नूं भी मैं अगे भी रिक्वेस्ट की हथ बन के बेनती करदा भी जां तां कानून इको जिहा बनाओ ते जां सारयां वास्ते इको रखो। भी एक बलात्कारी तो सज़ा हो गई, जदों जी करदा एप्लीकेशन हजे मगरों लाउंदा पहला उन्हूं कह देंदे भी चल बाहर फिर जिथे वह कहें भी मैं उत्थे जाना उत्थों फिर ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं की सारा कुछ कर रहे हैं। एक साढ़े 30-30 साल हो गए अंदर बैठा, उन्होंने कदे घंटे की भी जे किसी का माँ मर गई किसी का प्यो मर गया बेचारे का उन्होंने भी नहीं किसी बाहर आके उन्होंने उस थान पर पहुँचन दिता, और उन्होंने वास्ते कानून क्यों अड है? इस करके उन्होंने भी नाल बेचारे उन्होंने भी उन्ना मौका दिता जाए। तो फिर दूजी वड्डी गल है भी साढ़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी किड्डी होई, उस भी उहदियां तारां उत्थे जुड़दियां लगियां ते किन्निया किन्निया तो इस करके बेइंसाफियां साडे नाल हो रही हैं, ये बहुत माड़ी गल है। गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां होईआं पुलिस की चार्जशीट के गल दर्ज आ कि यह बेअदबी की साजिश है जी डेरे सिरसे के घड़ी गई है। तो पुलिस ने जो ये गल मन ली है तो उस तो बाद भी उस व्यक्ति बार बार जी पैरोल है वो दिती जा रही है। तो जो ये घटना वापरदिया ने पैरोल मिलदिया ने तो सिख जथेबंदियां जिमें जरा बहबल कला मोर्चा लग्या हुआ उस मोर्चे का कहना कि सानू गुलामी का एहसास कराया जा रहा, तुसीं सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। भी तार उत्थे पहुँच गई सारे बंदियां दे नां आ गए, उन्हां बंदियां नूं हजे तक अज तक वो तो उड़ारा भी नहीं पुछया गया भी तू कौन है कौन नहीं। फिर उस बंदे नूं नाम भी बिच जुड़ रहा है, उस बंदे नूं जदों मर्जी है अपने छुट्टी दे दित्ती जांदी है भेज दित्ता जांदा है। भी इस करके भी एक दो जिहड़ियां चल रही बहुत माड़ी गल है। साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी और गलियां च अंग किवें किवें खिलारे और अपने सिंघां दीआं रिहाइयां ये सारयां नूं देख के ये जो मोर्चा लग्या मैं सारियां संगतां नूं सारे भरावां नूं कोई भी किसी भी जाति किसी धर्म का सारयां नूं मैं हथ बन के बेनती करदा भी ये किसी विशेष बंदे का ना समझो, ये सब का सांझ है। क्योंकि साढ़े गुरु महाराज जी की बेअदबी किन्नी होई है साड़ी उस दी खातर जे बंदे दी इक माड़ी जी भी उहदे अंदर इंसानियत है ना उन्होंने सारे काम छड़ के इस मोर्चे आना चाहिए। क्योंकि साढ़े गुरु महाराज जी दी बेअदबियां साढ़े सिंघां दी रिहाइयां
और सब इंसाफ की खातर सबू सारे एक होना चाहिए। मेरी हाथ बन के सब की अगर बेनती है। गुजरात चोणों तो पहला सरसे वाले साहब की रिहाई करवा दी जाती है तो यकीनन एक बहुत बड़ा तबका अज भी उन्हों का भगत है, अज भी वह भगत है। उस वोट बैंक की खातर जोड़े अजिहे कदम ने पुटे जाते हैं। तो दूसरे पास जोड़े बंदी सिंह ने उन्होंने 25-25 साल सजावं पूरी होने तो बाद भी जेलों के डकया हुआ है, मैंटली हरास किया जाता है, फिजिकली हरास किया जाता है। तो तुम्हें लगता है कि इस देश के दे कदे इंसाफ हो सकेगा? वोटों के लालच के चलन वाली सरकार आम लोगों कदे हो सकनगियां? हो सकनगियां जे साडा एका हो जाए सब का। जिवें मोर्चा लगे इस मोर्चे नूं फल पैना शुरू हो गया, पैना तो शुरू हो गया पर जे इस नूं पूरा फल पै गया तो मैं सारियां सरकारां तुहाडे अगे इस मोर्चे दे अगे झुकदियां दिखा दूंगा और सारे सिंघां दियां साडे बेअदबी दियां सारियां जिहड़ियां उहनूं 2-3-4 दिन बाद अंदरों बाहर बाहरों अंदर कीता जा रिहा ये सारियां साडे सामने झुक जाणियां, ये चीज़ां आ जाणियां। पर साडा एका होना चाहिए, एका ना होया फिर जिवें मर्जी है सरकार चलाउणियां फिर साडे पल्ले कुछ नहीं है। एक सवाल है कि मोर्चे बहुत लगते हैं पंजाब दे विच, सरबत खालसे का इकट्ठ हुंदा आ, बरगाड़ी लगता है, बैबल कलां लगते हैं, होर तमाम जिहड़े मोर्चे ने इंसाफ के लिए पंजाब दे विच लगते रहे ने ते लगते आ रहे हैं। पर उन्हां वड्डियां इकट्ठां दा उन्हां वड्डियां मोर्चियां दा अखीर च देखण नूं इह मिलदा है कि किसानी अंदोलन ला लिया जाए, किसानी अंदोलन दे विच जिहड़ियां वड्डियां मंगां नूं लैके गए अद्धियां मंगां मना के वापस आ जाना, वो बिल जिहड़े कदे लागू ही नहीं होए उन्होंने रद्द करवा के आ गए, ना तो MSP लई ना तो जिहड़े किसानां दे खुदकुशियां रुकियां। तो लगता नहीं कि आगू ने जिहड़े समझौता कर लेंदे ने? तो हुण जिहड़ा ये मोर्चा आ तुसीं इस मोर्चे तो की उम्मीद रखदे हो? इस तो मैं यही उम्मीद रखते हैं भी इन्हों की जिमें बोलबाले दस रहे हैं भी असी सारा हिसाब किताब दे रहे हैं, सारा का एको अपने कोई नीवा नहीं कोई उच्चा नहीं, सबनों एको थान देख रहे हैं। इन चीज़ों सारिया देख के बाकी गुरु महाराज जी की हजूरी च जो खड़ के बोल रहे हैं फिर वो गुरु महाराज जी देखते हैं, उन्होंने दे हाजिर नाजरा वो फिर सानू आपे सजावां देंगे। पर सानू उम्मीद यही लग रही है भी गुरु महाराज की हाजिरी च उत्थे बैठ के जो अनुभव किया जो सोचा भी सानू इत्थों इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पासे जिथे सरसे वाले साध नू 5वीं पैरोल मिल रही है तो खट्टा सिंह जी जेडे उन्हां दे जेडे पहलां तो उन्होंने ड्राइवर रहे ने इस मोर्चे के पहुँचे ने बंदी सिंह की रिहाई के मोर्चे समर्थन दे रहे हैं।